हाँ सर, 1 2 ओके सर, यस। तो बस सीढ़ी। हाँ सर, 1 2 भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे Thank you.
जो था संत विश्व स्वागत है। विवेकानंद संदेश यात्रा विवेकानंद केंद्र के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है। यह यात्रा 19 नवंबर को खेतड़ी झुंझुनू से प्रारंभ हुई, जहां स्वामी जी ने अपने जीवन का बहुत सारा भाग गुजारा। जय जय भारत, जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। प्रथम पांच शब्द। हाँ भाई, हाँ भाई, पीछे आप ही खड़े ना आप। हिंदी दो शब्द बोले सेम, जिस भाषा में बोले थे और जिस क्रम में बोले थे वही बताने हैं। माई ओल नहीं है, माई ओल आप भाई, आप भाई। ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी बात है। सामान्य तौर पर जब भी बात होती है कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन क्या है, तो हम सभी हाथ खड़े कर लेते हैं कि उनके दर्शन से हम परिचित नहीं हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें उनके दर्शन से परिचित होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने 25 मार्च 1896 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की परिषद के समक्ष एक भाषण दिया था। वो भाषण स्वामी विवेकानंद के दर्शन का सार है और उस भाषण की विषय वस्तु थी वेदांत। वेदांत शब्द यानी कि वेद का अंत। दरअसल वेद हम सब लोगों की पूज्य पुस्तकें हैं, संसार के प्रथम ज्ञान प्रवाहक हैं। तो वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान, और वेदांत का अर्थ है कि जहां पर वेद का अंत हो जाए, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान। अब वेदांत, भारतीय वेदांत दो भागों में विभक्त माना जाता है। मोटे रूप में मैं बिल्कुल सतही बात यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले द्वैतवाद। द्वैतवाद का ये कहना है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, पृथक हैं, एक नहीं है। परंतु कुछ समय पश्चात वेदांत में जिस विचारधारा का प्रवेश होता है, जिसको वेदांत का सार बनाया जाता है, वो अद्वैतवाद है। यानी कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है और हम सभी उस ब्रह्म के अंश हैं। और इसी के आधार पर स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि भय से रहित रहे, दीन हीन के कल्याण के भाव को अपने भीतर भरे, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद की भावना का उन्होंने संचार किया। ये सारा का सारा उनका वेदांत दर्शन है, उनका अद्वैतवाद है।